हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था 2006 में। क्वेश्चन है, इफ ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी, और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की। इसकी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं कि के है। ये इक्वेशन वन हो गया, ये इक्वेशन टू हो गया। इक्वेशन वन का यदि बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन का यदि स्क्वायर करें हमें मिलेगा ए स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये है थर्ड इक्वेशन और ये है फोर्थ इक्वेशन। अब इन इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं थर्ड और फोर्थ को, हमें क्या मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि निगेटिव टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हमें मिलेगा ए स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर्ड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ पर फर्स्ट दो टर्म्स में से आप ए स्क्वायर्ड कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट दो टर्म्स में से यदि आप बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में है सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी और यहाँ पर भी वन आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वन ये होगा ए स्क्वायर का इक्वल। यहाँ पर भी है बी स्क्वायर टाइम्स वन, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इंप्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें के मिल जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।